तो शुरू में सिर्फ पकौड़ी बनाते थे या समोसे या दही बल्ले साथ साथ थे? तीनों आइटम साथ। तो मतलब लोग बहुत ज्यादा क्या खाते हैं आपके यहाँ पे? हमारे देखो तीनों आइटम ही बिकते हैं बराबर। समोसे तो देख लो आपके सामने ही है, दही बड़े भी खत्म से, पकौड़ी भी खत्म है। तो मतलब कितने समोसे निकल जाते हैं दिन भर में? 150। भाव जी तेल कौन सा यूज करते हैं अपन? सरसों का। क्या बात है, सरसों का तेल यूज करते हैं भाव जी। तेल हो साहब भाई, चटनी मत डाली। और ये भाव जी की दही है भाई, दही है प्योर, दही बल्ले इसके साथ बिकते हैं इनके। ये समोसा लगा रहे हो? हाँ। कौन सी चटनी होती है? अच्छा लहसुन की चटनी कह रही है आपने अभी। तो यहाँ पे ऐसी भीड़ लगी रहती है, आवाजाही, आने जाने वाले लोग ज्यादा खाते होंगे। बर्तरी से आए हो? क्या समोसे तो ये घर से ही बना के लाते हैं बाऊजी। मसाला जो है समोसा 15 का एक लगा। ये लो आप बाऊजी का समोसा टेस्ट करके देखेंगे सबसे पहले हम। और ओके, ये बाऊजी किसकी चटनी है? इमली की। इमली की मीठी चटनी होगी। और ये दही हमारा। अच्छा समोसे में दही भी कहते हो आप? ये नमक मिर्च जीरा। ओके, तो ये लहसुन की चटनी नहीं देते आप इसके साथ? ये पकौड़ियों के साथ। पकौड़ियों के साथ ओके। खा के देख भाई, दिनेश भाई खा रहा है, दिनेश भाई बताएगा मैं कैसे है। कैसा है दिनेश? बढ़िया। दिनेश पहले खा चुका है आप यहाँ की? पहली बार खा रहे हैं?